मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बोधनी के लाड़कुई में किसानों की खराब सोयाबीन की फसल देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 करोड़ की लागत से बने शासकीय स्नातक महाविद्यालय लाड़कुई का लोकार्पण करेंगे। सीहोर कलेक्टर एसपी सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया लाड़कुई हेलीपैड एवं मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम का निरीक्षण। लाड़कुई के आसपास के खेतों में सोयाबीन देखने जाएंगे मुख्यमंत्री। कॉलेज भवन में किसानों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटा पूरा जिला प्रशासन। आजादी के 74 साल बाद भी कीचड़ में चलने को मजबूर है ग्रामीण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 साल में नहीं बनवा पाए 2 किलोमीटर सड़क। अमेरिका दौरे के दौरान जरूर अपने भाषणों में अमेरिका से अच्छी सड़कें होने का दावा जरूर किया, लेकिन हकीकत स्वयं के बुधनी विधानसभा में अमेरिका जैसी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां दिखाई दे रही है। मामला जनपद पंचायत नसुलागंज की ग्राम पंचायत हालिया खेड़ी से नया गांव को जोड़ने वाले 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते का है, जिसको बनवाने के लिए ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई, लेकिन आज तक नहीं बना। आज तक 15 साल से अधिक क्षेत्र के विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नहीं बना पाए सड़क। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक बार और आग्रह किया है कि हम सभी ग्राम हलिया खेड़ी तहसील नसुलागंज जिला सीहोर मध्य प्रदेश के ग्रामवासी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी हलिया खेड़ी पंचायत में 2 गांव शामिल है। इन दोनों गांव को जोड़ने वाली एकमात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। वह सड़क आजादी के बाद से आज तक पक्की नहीं बन पाई है और बरसात में ये सड़क पूर्ण रूप से बंद रहती है, क्योंकि इस सड़क का उपयोग आसपास के लगभग 25 गांव के लोग प्रतिदिन करते हैं और साथ ही हमारी ही पंचायत के नया गांव के छोटे नन्हे बच्चे हलिया खेड़ी स्कूल पढ़ने आने में उपयोग करते हैं। साथ ही इस सड़क पर कई परिवार रहते हैं और कई किसानों के खेत इसी सड़क पर हैं, अतः ये सड़क ग्राम पंचायत हलिया खेड़ी के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार उचित पटल पर इस सड़क की समस्या को उठाया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि एक ही पंचायत के 2 गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क हलिया खेड़ी से नया गांव 2 किलोमीटर लंबी सड़क को पक्की करवाने के लिए उचित कदम उठाया जाए। ये देखिए नया गांव से हालिया खड़ी वाला रोड, रोड की दुर्दशा देखिए आप। ये 3 किलोमीटर रोड जो कि नया गांव से हालिया खड़ी को जोड़ता है, जो कि ग्राम पंचायत हालिया खड़ी में नया गांव ग्राम एक और जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत हालिया खड़ी ही लगती है नया गांव की भी, परंतु ये रोड की हालत देखिए आप। यहाँ पर आवागमन का कोई रास्ता जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये देखिए आप, गाड़ी ट्रैक्टर से खींचना पड़ रहा है। ये देखिए रोड की हालत आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाड़ी जो है ट्रैक्टर से खींचना पड़ रहा है यहाँ पे। जी भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल से। भोपाल से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? अली। अली जी, अच्छा, क्या आप इस रोड पे पहली बार आए हैं? पहली बार आए थे रोड पर, यहाँ तो गाड़ी के टायर के बराबर गड्ढे हो रहे हैं। जी भाई साहब, ये सीएम के क्षेत्र का रोड देख सकते हैं आप किस प्रकार से। कितनी देर हो गई भाई साहब आपको ये गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई को? कम आधा पौन घंटा आ गया। ये भाई लोग आए, इनने मदद करी तो गाड़ी निकली। अच्छा अच्छा, तो ये ट्रैक्टर से गाड़ी खींचना पड़ा भाई साहब आपके, है ना? गाड़ी खींची नहीं तो निकल ही नहीं रही थी, परेशान हुआ। अच्छा, कुछ नुकसान भी होगा भाई साहब गाड़ी में आपके? में पड़ेगा क्या नुकसान हुआ? अच्छा, नीचे से टकरा गई थी गाड़ी, है ना? बहुत ज्यादा गई थी गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे और आप सीएम साहब को? ये है कि ये रोड जल्द से जल्द ठीक करवाएं, क्योंकि इससे हादसा भी हो सकता है, रात में दुर्घटना किसी को दिखे नहीं है। जी भाई साहब, ये दोनों पंचायत को जोड़ता है, ग्राम पंचायत हालिया खड़ी और नया गांव को, ये की पंचायत में लगता है नया गांव से ही आ रहे थे। जी भाई साहब, नया गांव से ही आ रहा था आप, क्या काम था आपको? पंचायत में काम था, सरपंच जी से। सरपंच जी से काम था। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब।
सोयाबीन की खराब फसलों के सर्वे एवं मुआवजे के लिए कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। आज नगर नसुलागंज में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से अजय पटेल नंदगांव, संतोष शर्मा कक्का द्वारका, जाट गोपाल शर्मा सूरत मकवाना, जितेंद्र पवार, ओम पवार, सुनील गोलिया, संतोष गौर, ममता कीर, बंटी मीणा, चंद्र मीणा, तुलसीराम बाकरिया, तुलसीराम बाकरिया, सुनील शर्मा, जगदीश भाई, संजय पटेल, नंदलाल, विकास वर्मा शामिल थे। खेत में देखा है, किसान का नुकसान देखा है, उसमें बता अतिवृष्टि के कारण पूरे मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ। मैं विदिशा जिले के हरसी जिन्होंने बटिया से खेती ली थी उनके खेत में अभी गया, घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। भिंडी गल गई, गिलकी सड़ गई, सोयाबीन में कुछ बचा नहीं है, जड़ें सड़ गई, फल्ली का आता पता नहीं है, खेत नदी बने हुए हैं, किसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आज मैं जत्रापुरा में गया, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ के खेतों की हालत भी देखी। मैं मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को यह आग्रह करूँगा कि खेतों में आके वो किसानों की हालत तो देखे, ये तबाह और बर्बाद हो गए। मंत्री खेतों में जाए, कीचड़ में घुसो, जब तक नहीं जाओगे इन खेतों में, महल में बैठ के ये अंदाज नहीं लग सकता कि नुकसान कितना हुआ है। फसल खराब नहीं हुई, किसान का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। और अब ये जरूरी है कि इन किसानों की फसलों का सर्वे हो, सर्वे करके हम राहत दें, मुआवजा दें, नुकसान की भरपाई करें और बिना बीमा कंपनी से पूरी राहत दिलवाएं। अब ये भरे हुए खेत, इनमें सड़ती हुई फसलें तबाही और बर्बादी का मंजर है। इसमें से किसान को बचा के निकालना है और इसलिए प्रशासन की टीम, मुख्यमंत्री मंत्री वो भी जाए प्रदेश में अतिवृष्टि वाले इलाकों में और किसानों को राहत मुआवजा देके उनकी जिंदगी बचाए।